हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम दिनेश सिंह, ग्राम बुधारा, तहसील पोरसा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश से हूँ। आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी बंद गोभी है। इसमें आप कैसे मतलब एकदम ग्रोथ को ला सकते हैं, बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगे ये बंद गोभी की पौध है, अभी छोटी छोटी है। इसको जल्दी से बड़ा करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसमें नियमित रूप से ये गुड़ाई करना चाहिए, और गुड़ाई के साथ साथ आपको यूरिया DAP मिक्स करके इसमें करना चाहिए। अभी इसे छोटे रूप में ही लगाना चाहिए DAP खाद को, और नियमित रूप से आपको इसको लगाना चाहिए। देख सकते हैं आप, इसमें DAP लग चुका है हमारा ये। तो इसमें ये देखिए बड़े बड़े पौधे हो गए हैं। अभी इसमें मतलब गुड़ाई करने के बाद आपको मतलब पानी देना है 4-5 दिन के बाद, DAP लगाने के बाद। इसके बाद आपको पानी लगने के बाद आपको ये देखिए ग्रोथ में इतने बड़े बड़े पौधे लगेंगे, और करीबन आप देख सकते हैं करीबन बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। इसमें DAP लग चुका है और पानी भी लग चुका है। देख सकते हैं आप इसमें कितने बड़े बड़े पौधे हो चुके हैं, ये देखिए बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। देख सकते हैं आप ये 7 के हैं, इसमें DAP लग चुका है। तो आप देख सकते हैं ये देखिए बड़े बड़े पौधे हो गए हैं, और करीबन आप इसी मतलब 15 दिन के अंदर इनकी गुड़ाई करते रहना चाहिए, जब बड़े हो जाएं उसके बाद नहीं कर रहा है। करीबन 30 दिन के बाद आपको देख सकते हैं इतने बड़े ये पत्ता गोभी हो जाएंगे। 30 दिन में अगर आप DAP यूरिया का सही से नियमित रूप से आप इसका गुड़ाई करते रहेंगे, तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा बहुत बड़े बड़े हो गए इसमें। ये मेरा है, मतलब इससे पहले ये वाला छोटा था, ये 30 दिन पहले ऐसा था, तो ऐसा हो गया है। देखिए कितना बड़ा हो गया। इसमें क्या है, DAP खाद की मात्रा नियमित रूप से डालना चाहिए, जिससे कि इसमें प्रोग्रेस बहुत जल्दी जल्दी हो। देखिए आप देख पा रहे हैं, मैंने करीबन 10 दिन पहले इनमें DAP की खाद लगाया था, तो आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हो गए अभी, और छोटे भी हैं वो मतलब एक आध दो रह गए हैं, बहुत बड़े बड़े देखो। ये देखिए हमारी पत्ता गोभी है, ये देखिए इसी ट्यूब में लगाइए, क्योंकि इसमें एकदम आप देख ही सकते हैं सिर्फ पेड़ से पेड़ लगा हुआ है, कोई खाली जगह नहीं दिख रही है आपको। इससे क्या है, मुनाफा ज़्यादा होता है, पेड़ों की संख्या ज़्यादा रहती है। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।